खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर एक, किसान की खुशहाली में नंबर एक, गरीब आदमी की कल्याणकारी योजनाओं में नंबर एक, भाईचारे में नंबर एक। छह साल के बाद उस खट्टर सरकार ने उस हरियाणा को जो विकास में नंबर एक था, उस हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर एक, मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार के हर महीने के जो प्रकाशित आंकड़े हैं वो बताते हैं, पिछले एक साल में एक 11 महीने हरियाणा नंबर एक था, बीच में एक महीना त्रिपुरा से मुकाबला। यूपी बिहार जहां से बच्चे यहां पे काम करने आते थे, आज वहां भी हमसे ज्यादा रोजगार, वहां भी हमसे कम बेरोजगारी, बेरोजगारी में नंबर एक, अपराध में नंबर एक हरियाणा बनाने का इन्होंने काम किया। और विकास की जहां तक बात है, विकास का तो ऐसा नक्शा चौपट किया पूरे हरियाणा का, मैं पूरे हरियाणा की बात अपने इलाके के आसपास हम नजर उठा के देखे, छह साल में कितना नुकसान हुआ इस इलाके को, आप सोच के देखो, कल्पना करके देखो। अगर अपनी सरकार आती तो इन छह साल में क्या होता है नजारा, अपनी सरकार होती तो लाल चोली के अंदर रेल कोच फैक्ट्री और आईएमटी लगती गिरी लगती, मैं आपसे पूछता हूँ। अपनी सरकार आती तो कंदूरा से आगे मैम शुरू हो जाता है, मैम और गुरुदा कभी यही गलता था, गांधी साहब बैठे। अपनी सरकार आती तो मैम के अंदर एयरपोर्ट होता जो मंजूर कराया था हमने। अपनी सरकार आती तो खानपुर मेडिकल कॉलेज, जिस कॉलेज में एक एक करके डॉक्टर उठ के चले गए, जो सुखा दिया जिस मेडिकल कॉलेज को। अपनी सरकार होती तो इन छह साल में खानपुर मेडिकल कॉलेज का रूप दुगना और तिगना होता। अपनी सरकार आती तो भादरगढ़ की मेट्रो अभी रोहतक होती, मेट्रो सोनीपत में होती और खरखोदा के अंदर मेट्रो पहुंचाने की तैयारी हो रही होती। खरखोदा की आईएमटी जयवीर जी बैठे हैं, खरखोदा की आईएमटी में देश विदेश की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और निवेश होता, एक विश्व स्तरीय विकास की तरफ अपना प्रदेश बढ़ रहा होता, हमारे युवा का, हमारे युवा का भविष्य सुरक्षित होता, किसान खुशहाल होता। मगर हर वर्ग को इन्होंने चोट मारने का काम किया है। सबसे पहली चोट युवा को, जो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में झेल रहा है। दूसरी चोट किसान को, किसान का आंदोलन होता था कि भाव बढ़ाओ, एमएसपी बढ़ाओ, अब आंदोलन हो गया एमएसपी बचाओ। और मैं एक बात, अभी पीछे मुजफ्फरनगर नगर में बड़ी पंचायत हुई थी, वहां भी किसान की एक बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, वहां भी एक बात मैं कहके आया था, आज वही बात आपके बीच में कहता हूँ, बिना आत्मा से कहता हूँ, आपके आशीर्वाद से चौथी बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे पहुंचने का मौका मिला है, जहाँ राजनीति की बिसात बिजती है, जहाँ राजनीति की बिसात बिजती है देश की, वहां उस जगह को भी मैं करीब से देख के आया हूँ। उस हिसाब से आपके बेटे के हिसाब से एक बात मैं कहता हूँ, जो मैंने वहां मुजफ्फरनगर में गई थी यहाँ से एक हफ्ते पहले, ये जो सरकार जिस हिसाब से चल रही है, अगर किसान एकजुट नहीं हुआ, किसान और मजदूर एकजुट नहीं हुआ, तो जैसे पीपली में लाठी चार्ज हुआ, अगर एकजुट नहीं हुए आने वाले समय में सड़क पे तो किसान पिटेगा, जैसे पीपली में इन्होंने लाठियां चलाने का काम किया, और मंडियों में आपकी फसल पिटेगी। ये आज समय एकजुट होने का, अपनी ताकत का एहसास कराने का आज समय है, और ऐसी ताकत